गुड मॉर्निंग। आज तुम्हें दिखाएंगे कि दुबई में मंदिर कहाँ पे बना और कैसा है। तो आज मंदिर चलते हैं। ये पीछे अपना कैंप है जो मैं दिखाता ही रहता हूँ। पहुंच गए हैं स्टेशन के ऊपर, मतलब बस स्टॉप में। अब तुम्हें दिखाते हैं कि गुरुद्वारा और मंदिर दोनों बिल्कुल पास पास में ही है और कहां पे है, किस जगह है। मट्टी मट्टी है पर चारों तरफ यार। इस साइड शायद है मेरे अपना पाजी संदीप दमन। संडे के दिन चले आज गुरुद्वारे और मंदिर दोनों जगह विजिट करेंगे। पार्किंग पूरी फुल है यार आज के दिन तो। भाई संदीप भाई पार्किंग पूरी फुल है आज तो, और दिन भी गर्म है आज, इसलिए सब लोग आएंगे। दिन भी अच्छा है ना, पहला दिन है संग्राम के बाद, इसलिए भीड़ देखो भीड़ कितनी है। यह सामने गुरुद्वारा, अपना ऊपर झंडा दिख रहा है। ये गुरुद्वारा है और वो अपना मंदिर है साइड में, दोनों बिल्कुल पास पास में है। पर आज के दिन ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है, इसलिए ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। ये अपना गुरुद्वारा है, वो सामने मंदिर है, दोनों एक ही जगह है। और ये चर्च है, इस साइड से हम लोग आए थे। ओके भाई, बहुत लोग हो गए हैं तैयार, परना बांध बांध के। अभी अपने सिर पे कुछ नहीं है, हम लोग अंदर ही लेंगे जाके। एक भक्त आगे चल रहा है, दो हम पीछे। मैंने एंट्रेंस किया है भाई। ये अंदर से है, बांध लिया पर ना भाई, अंदर की वीडियो बनाऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि शायद अलाउड भी नहीं है और मैं बनाऊंगा भी नहीं अंदर की वीडियो। ये सामने मंदिर है, मेन गेट मंदिर का। हाँ ये है देखो भाई, लंगर हॉल। अपनी चाय चल रही है, साथ में आता भाई दमन। लंगर हॉल में बैठ के चाय पी रहे हैं। पिछले यहाँ परना जमा कर दिया है उधर, अब निकलते हैं बाहर। बाल कैसे हो गए हैं, यहीं से अंदर गए थे और यहीं से बाहर निकल रहे हैं। और देखो ये बाहर का माहौल है,
ये अपना मंदिर, मेन एंट्रेंस ये है। जय भोलेनाथ। कितना अच्छा लगता है ना यार, किसी प्राय देश में अपना कल्चर देखने को मिले, अपना मंदिर देखने के लिए मिले। और ये साइड में गुरुद्वारा है, दोनों बिल्कुल पास पास में, एक ही जगह है दोनों। सब लोग फोटो ले रहे हैं, तो अंदर की वीडियो भाई बनाऊंगा नहीं, ना तो अलाउड है शायद और ना मैं बनाऊंगा यार, पर माहौल बहुत अच्छा है। यह है मंदिर के अंदर की कलाकारी और यह है मंदिर का एंट्रेंस। और यह बाहर का एरिया है। और यह मंदिर का एंट्रेंस है, यहां से अंदर जाएंगे प्रे हॉल में, शायद अंदर प्रे हॉल है। यहाँ से अंदर आए थे और ये प्रसाद मिला है, एप्पल सेब। और यहाँ से अंदर जाते हैं, इस साइड से अंदर जाते हैं, यहाँ से अंदर जाते हैं। दर्शन करके बाहर आ गए हैं और ये मैं अंदर बाजा है पीछे, कितनी बार मैं बता चुका हूँ वैसे तो। और इधर चप्पल निकली हुई है, तो चलते हैं चप्पल के लिए। इधर पीछे चप्पल निकली हुई है और ये यहाँ से हम बाहर निकला, अंदर भी यहीं से जाना है बाहर भी यहीं से निकलना है। बहुत अच्छा बना हुआ है अंदर, इतना अच्छा बना हुआ पर मैं दिखा नहीं पाया, पर बहुत अच्छा बना हुआ है। तो चलते हैं वापस रूम के लिए। और ये जबल अली में पड़ता है, गुरुद्वारा और मंदिर दोनों पास पास में हैं और बतूता मॉल के नियर पड़ता है, उसी के पास में पड़ता है जबल अली में, बतूता मॉल के पास। तो अब चलते हैं, बोलते हैं बाय बाय अपने मंदिर को, प्यारे से मंदिर को। और एक कमाल की बात, इसके अंदर गुरु नानक देव मतलब गुरुद्वारा भी है, छोटा सा स्थान दिया हुआ है मंदिर के अंदर। और बाकी अपने जितने भी भगवान हैं जिनको हम पूजते हैं ज़्यादा, उन सभी की मूर्ति है अंदर। बड़ा अच्छा लगा वाकई में दर्शन करके, मैं पहली बार आया, जब से बनाया मैं पहली बार आया, मतलब इससे पहले एक बार और आया था मगर उस टाइम मैं दर्शन नहीं कर पाया था, तब तक पूरा मंदिर ओपन नहीं हुआ था, मगर आज दर्शन करने का मौका मिल गया। दोस्तों के साथ आए हैं तो आज अंदर जाके दर्शन कर ही लिया, बहुत अच्छा लगा, मन को शांति मिली। टैक्सी नहीं मिलती भाई जाने के टाइम वापसी में, अब इतनी गर्मी में देख लो पैदल चलना पड़ रहा है। हमारे संदीप भाई जी को देखो बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी, पर यार हवा हवा चल रही है तो हाँ इतनी गर्मी महसूस नहीं हो रही ना, हवा चल रही है। अरे आगे आगे तो खैर मुश्किल हो जाना, ये कड़ा फिर बच गया। ये देखो भाई आस पास का माहौल देखो, दूर दूर तक धूप ही धूप है, कोई पेड़ नहीं है। हाईवे का नज़ारा देखो, गर्मी भी भयानक ही हो रही है। ओ चलो यार ग्रीन लाइन होगी, चलो 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 जल्दी, यहाँ से थोड़ा जल्दी पर रुको रुको रुको, ये ट्रक को जाने दो। हाँ गड्डी निकल रही है,
ब्रेक भी कम लगती है भाई, और अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, थोड़ा देर हो जाएगी पर आराम से चलेगी। भाई आज मंदिर का टूर पूरा हो गया, गुरुद्वारे का भी।